दोस्तों त्यौहार एक सीरीज में आ गए हैं, चाहे वो नरक चतुर्दशी से लेकर दिवाली भैया दूज तक हो या फिर उस बीच पड़ने वाली छोटी मोटी ऐसी कोई तिथियां जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसके बारे में जानकारी लेंगे, बात करेंगे किन त्यौहारों पर क्या करें क्या ना करें, आम जीवन में हम किन बातों का अनुसरण करके अपने जीवन को और अच्छा और उन्नत बना सकते हैं और माँ लक्ष्मी का स्वागत कर सकते हैं अपने घर में। नमस्कार, मैं हूँ आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज़ 18 के इस विशेष पॉडकास्ट में स्वागत करेंगे आचार्य राकेश शुक्ला जी का। आचार्य जी बहुत स्वागत है और हमारे जो सभी दर्शक पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल उनके मन में, तो मुझे लगा सब तो पूछ नहीं पाएंगे इसलिए मैं उनके कुछ सवाल लेकर आया हूँ। लेकिन उन सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बहुत ही जो कन्फ्यूजन लोगों को है वो ये कि दिवाली 31 तारीख को मनाई जाएगी या 1 तारीख को। सबसे पहले तो न्यूज 18 को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना बधाई, इनके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लेकर आए हैं, लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। और दीपावली जो पर्व है वो 1 तारीख को ही मनाना चाहिए, 1 नवंबर को ही मनाना चाहिए। उसमें शास्त्र के सम्मत बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं 31 तारीख को, लेकिन त्रिपाठी जी 31 तारीख को क्या है, 31 तारीख को न तो सूर्य उदय है, सूर्य उदय उसमें नहीं हो रहा है, चतुर्दशी तिथि में हो रहा है। और शास्त्र प्रमाण में कहा गया है कि यदि जो तिथि सूर्य उदय में निकलती है यदि शाम तक, और ख़ास करके एक पर्व केवल कहा गया है जो होता है, औरतें जो रखती हैं व्रत रखती हैं, जो बट सावित्री का जी, उस बट सावित्री को छोड़ करके सारे, और दीपावली में खास करके आप देखिए, यदि आप 31 तारीख की लोग कह रहे हैं तो 31 तारीख को कैसे मनाया जा सकता है। आप देखिए शाम को 3:54 पर अमावस्या लग रही है, उससे पहले त्रिपाठी जी क्या होता है, सुबह लोग अपने घर में गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके बाद में दोपहर में पितरों का दान होता है, पितरों के दान के बाद सायंकाल में लक्ष्मी जी का आवाहन होता है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तब जा करके दिवाली संपन्न होती है। यदि आप 31 तारीख को मनाते हैं तो आप कैसे, ना तो दान कर पाएंगे ना स्नान कर पाएंगे। बहुत सारे लोग, लाखों लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं अमावस्या पर, बहुत सारे लोग अपने, जो लोग श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की पूजा नहीं कर पाए, शास्त्र में विधान है यदि दीपावली अमावस्या के दिन वे अपने पितरों की पूजा कर लेते हैं तो उनके घर में परिवार में शास्त्र कहता है दैवो पितृ प्रसन्नम तो दैवो प्रसन्नम, यदि पितृ प्रसन्न है तो दैव ईश्वर प्रसन्न है, और यदि पितृ ही नहीं प्रसन्न है तो आप कितनी भी पूजा कर ले आपके घर में देवताओं का प्रवेश होगा ही नहीं। तो इसलिए शास्त्र सम्मत तो यह है कि दीपावली 31 को नहीं 1 तारीख को ही मनाना चाहिए। अब उसके कहेंगे क्यों मनाना चाहिए, वो मैं रीजन दे रहा हूँ, इसलिए मनाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में पहले भी कई बातें ऐसी हुई जिसमें कन्फ्यूजन हुआ, उसको लेकर के कहा गया शास्त्रों के निर्णय कैसे हो, भाई कोई हम कह दें 31 को मनाओ ये तो नहीं है, ना मेरी बात मानिए ना किसी ज्योतिषी की बात मानिए, किसी की बात मत मानिए, आचार्य राकेश शुक्ला की भी मत मानिए, लेकिन जो वेद कहता है, जो शास्त्र कहता है, जो पुराण कहता है, जो उपनिषद कहता है, उसकी बात तो मानेंगे जी। अब जो लोग त्रिपाठी जी 31 की बात कर रहे हैं वो प्रमाण नहीं दे रहे हैं कि क्यों 31 को मनाया जाए, मैं तो प्रमाण सहित कह रहा हूँ, ब्रह्मवर्तक पुराण में लिखा है, धर्म सिंधु में लिखा है, निर्णय सिंधु में लिखा है, हमारे देश में लगभग 80 से 90 पंचांग छपते हैं, उन पंचांगों में सब में 1 तारीख का निर्णय है, यदि इतने बड़े पंचांग करता है तो उन्होंने सोच समझ कर लिखा होगा। और दूसरा पर्व आप देखिए कि 1 तारीख को ही उदयातिथि में है जी। तभी आप दान स्नान यज्ञ सारा कर सकते हैं, 31 तारीख तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। और इस शास्त्र में कहा गया कि एक घड़ी का मतलब होता है 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है जी। और 1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट जी। यदि प्रदोष कालीनी रात्रि काल 1 घड़ी भी मिल जाती है सूर्यास्त के बाद तो उस दिन सूर्यास्त जो हो रहा है शाम को 6:17 पर हो रहा है, तो 1 घड़ी से ज्यादा 1 घंटे से भी ज्यादा मिल रही है। और शास्त्रों में तब निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु ने कहा कि भैया आप यदि दोनों दिन अमावस्या है तो ग्राह कौन से, ग्राह का मतलब है किस दिन आपको पर्व मनाना चाहिए, त्यौहार मनाना चाहिए। और क्योंकि ये त्यौहार इतना पवित्र पावन त्यौहार है और ये त्यौहार शुरू कब हुआ, आज से 9.5 लाख वर्ष पहले कहाँ शुरू हुआ कि अयोध्या रिपुरन जीत सकल गुण गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत, है ना, अयोध्या से विजय करके लंका पर विजय करके अयोध्यापति जब अयोध्या में आते हैं उस समय से दीपावली पर्व शुरू हुआ जी। और आप बता रहे थे, मैं माफी के साथ बीच में रोक रहा हूँ, अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राकेश जी इतने
प्रमाणित तरीके से कैसे बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये वो पांचांग है जो नवग्रह जो अपनी चाल बदल रहे हैं, कहाँ कब किस घड़ी में वो घूम रहे हैं, किस घर में वो जा रहे हैं, ये सब कुछ पूरे यूनिवर्स में यही पांचांग सेम तिथि हर पर्व जो है वो हर तिथि जो है वो आपको सेम मिलेगी, इसमें आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जब हम ये अपने अंग्रेजी महीनों में जब हम जाते हैं शुक्ल जी, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन लोगों को होती है। पांचांग वो हमेशा ऐसा एक्सपर्ट्स आप जैसे विद्वानों से बात करने के बाद ये समझ में आया कि धरती पर भी वही तिथि रहेगी, आप चंद्रमा पे चले जाइए तब भी वही तिथि रहेगी, वो नहीं बदलता, इसकी क्या महिमा है और ये कौन सा पांचांग है जो लोगों को नहीं पता, जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए? मैं बताना ये चाहता हूँ कि जितनी भी तिथियाँ होती हैं वो तिथि के अनुसार चलती हैं, सूर्योदय और सूर्य अस्त के अनुसार चलती है, अंग्रेजी की तारीख नहीं ली जाती कि भाई 14 तारीख को ये हुआ था तो फिर अगले 14 को ही होगा, रात 12 बजे से बदल गई, बदल जाए, ये शास्त्र नहीं मानता इसको। सूर्योदय में तिथि मानते हैं, सूर्योदय में मानता है। तो अब आप देखिए बहुत सारे कितने सारे पर्व हैं, अब जैसे दीपावली है, ये तो सारे विद्वान मान रहे हैं, वो भी विद्वान जो 31 को करें, अब गोवर्धन पूजा किस दिन की जाती है, दीपावली के अगले दिन करें, 2 तारीख को गोवर्धन पूजा तो की जा सकती है, 3 तारीख को भैया दूज तो किया जा सकता है, लेकिन नहीं दीपावली तो 31 कैसे दी, बिल्कुल भाई प्रमाण तो दो। मैं कितने सारे प्रमाण, ब्रह्मवेत्तक पुराण, नारद पुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, भाई कोई भी आप कहने से नहीं चलेगा। जैसे मैंने पहले कहा कोई प्रमाण लाइए, शास्त्र प्रमाण की बात करता है ये, भाई आप बैठे हैं यहाँ तो हम हैं तो बैठे हैं आप त्रिपाठी जी, तो प्रमाण दीजिए ना, प्रमाण किसी के पास नहीं 31 के। और काशी विद्युत परिषद ने भी बैठक करी, उसमें भी ये निर्णय हुआ कि अयोध्या की दीपावली महेंद्र सत्येंद्र दास से उन्होंने कहा कि कुछ राजस्थान के ज्योतिषियों ने कहा कि नहीं 31 तारीख को होगी। अब अयोध्या देखिए सबसे बड़ा पर्व, क्योंकि ये दिवाली का पर्व है, उजाला का पर्व है, अंधकार से निकल के तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से निकल कर प्रकाश की ओर जाने का पर्व है, और ये पर्व अयोध्या से शुरू हुआ है। अयोध्या में दीपावली 1 तारीख को ही मनाई जा रही है, जब राम भगवान आए तो लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, जाकर के गंगा स्नान किया और जाकर के अपने पितरों को यज्ञ किया, उनके लिए दान किया, और बहुत सारी जो मनौतियाँ थी लोगों की कि प्रभु हमारे आ जाएं, वो किया, और शाम को फिर अट्टालिकाओं पर बड़े बड़े सुंदर दीपक सजाए गए, है ना। वैसे तो दीपावली ये 5 दिन की मनाई जाती है, 5 दिन दीपावली है, लेकिन शास्त्र प्रमाण ये कहते हैं कि 1 तारीख को ही दीपावली लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, जिससे आपको धन, भाई कुबेर की पूजा करेंगे, लक्ष्मी की पूजा करेंगे। गणेश माने बुद्धि होता है, गणेश माने आकार नहीं है, गणेश माने बुद्धि, भाई जब बुद्धि रहेगी उसी से सारा कार्य होगा। तो बुद्धि के देवता की पूजा करनी है तो शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में करेंगे। अब आप देखिए कुछ लोग मानते हैं कि नहीं भाई हम पारंपरिक, अब भाई पारंपरिक ज्योतिष क्या है, ये तो प्रमाण दो जी, पारंपरिक ज्योतिष क्या है, नहीं सिद्धांत, अरे भाई सिद्धांत ज्योतिष, पारंपरिक ज्योतिष तो कह दिया, कोई प्रमाण तो देंगे, भाई त्रिक ज्योतिष है, त्रिक ज्योतिष पर देश के जितने पंचांग बने हैं वो आपको ग्रहण निकालना है तो त्रिक ज्योतिष चाहिए, ग्रह नक्षत्र की है तो त्रिक ज्योतिष चाहिए, सब में प्रमाण दिया गया। इसीलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ने यह निर्णय किया, उसमें एक मत नहीं है त्रिपाठी जी, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों का मत है कि यदि 2 दिन आ रही है अमावस्या तो कौन से दिन मनाई जाए। आप ठीक है काली की पूजा उपासना करना चाहते हैं 31 को कर लीजिए, लेकिन आप देव पूजन करना चाहते हैं, धन के लिए पूजन करना चाहते हैं, अपने परिवार की सुख से, या ऐसा पावन पर्व दीपावली का पर्व है कि हंसी खुशी और परिवार से मिलजुल करके मनाना चाहिए। आपने परिवार का जिक्र किया और हर कोई इस दिवाली पर, धनतेरस पर हर कोई यही सोचता है और यही कोशिश उनकी होती है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हो, जिससे कुबेर भगवान के भंडार जो हैं वो घर की तरफ को खुल जाएं और लोगों के जो धन धान्य से भंडार भर जाएं। लेकिन धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज तक ये जो 5-6 दिन हम देख रहे हैं, ये 5 दिन जो देख रहे हैं माचार्य जी, इसमें शुरू करते हैं धनतेरस से। धनतेरस का हमें बताइए कि वो धनतेरस पे क्या करें कि धन की वर्षा हो और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले। देखो धनतेरस का मतलब, अब यहाँ फिर वही बात आ गई, धन त्रयोदशी जो होती है वो सायंकाल प्रदोष काल मनाई जाती है, सायंकाल के समय धन्वंतरी जयंती भी उस दिन मनाया जाता है कि धन्वंतरी जी का अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम धन त्रयोदशी पड़ा। और धन त्रयोदशी में सोना खरीदने का विशेष महत्व है, उस दिन सोना खरीदा जाता है। देखो अलग अलग राशियों के अनुसार अलग अलग चीज़ें हैं,
कि मान लो आपकी मेष राशि है तो आप क्या खरीदें। मेष राशि वाले लोगों को चाहिए धन त्रयोदशी से कि कॉपर यानी तांबे की चीज़ यदि खरीदते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी धन त्रयोदशी को। अच्छा, आप किसी की वृषभ राशि है, आप कहेंगे कि तो वृषभ राशि वाला क्या खरीदे, तो वो भी तांबे का नहीं। वृषभ राशि वाले को उस दिन चाहिए सिल्वर की चीज़, यदि चांदी की कोई वस्तु घर में लेकर के आता है या चांदी की मूर्तियाँ लेकर के आता है या चांदी के बर्तन लेकर आता है तो उसके घर में धन की बड़ी वृद्धि होगी। फिर मिथुन राशि आ जाती है, अब इस पर चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा त्रिपाठी जी, कि भाई मिथुन राशि वाले अब क्या लेकर के आए। मिथुन राशि वालों के शास्त्र में ये कहा गया कि मिथुन राशि वाले लोग जो हैं पीतल से संबंधित वस्तु यदि खरीद कर लाते हैं, नहीं सोना खरीद पाते तो भी उनको धन का विशेष लाभ होगा। और चंद्र कर्क राशि वाले लोग अपने घर में उस दिन कपड़ा खरीद सकते हैं, गहना खरीद सकते हैं, डायमंड खरीद सकते हैं, वो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो कोई नहीं, चर्चा को लंबा होने दीजिए, आप बताइए ताकि हमारे दर्शकों को उसका लाभ मिले। सिंह राशि वालों के लिए त्रिपाठी जी, अब सिंह राशि देखते हैं, सूर्य की राशि है, सूर्य की एक ही राशि है, वो भी सिंह राशि है। सूर्य का प्रतिबिंब जब आप निकलते हैं, सूर्य निकलने से पहले प्रतिबिंब आता है, सूर्य उसके बाद निकलता है, तो उसकी छाया कैसी होती है, लाल लाल होती है, रेड कलर के। तो सिंह राशि वालों को चाहिए कि माणिक खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, ठीक है ना, जस्ता एक धातु होती थी वो खरीद सकते हैं, उनको उससे विशेष लाभ होगा। आप देखेंगे उनके घर में बरकत शुरू हो जाएगी। कन्या राशि वाले के लोगों को चाहिए कि वो क्या करें, अब भाई कन्या राशि के लोग क्या खरीदें। कन्या राशि के लोग सोने से और रत्नों से बनी हुई चीज़ उनको खरीदनी चाहिए। यदि वो ऐसा खरीदते हैं तो आप देखेंगे उनके घर से क्लेश समाप्त हो जाएगा, उनके घर से कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा, उनके घर में संतान को विद्या बुद्धि अच्छी प्राप्त होगी। और कन्या राशि वालों को चाहिए उस दिन अपने बच्चों के लिए कलम जरूर खरीदें, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे जिनके घर में हों, और उस दिन ला करके पूजा करें, देखेंगे बच्चों को कितनी विद्या बुद्धि उससे प्राप्त होती है। अब इससे अगली राशि आएगी तुला राशि, जो सातवीं राशि है। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। अब शुक्र के लिए लग्जरी वस्तु, जितने भी आप लग्जरी वस्तु घर के लाना चाहते हैं, धन त्रयोदशी में लग्जरी वस्तुएं खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में खूब लग्जरी वस्तुएं मिलती जाएंगी। भौतिक सुख जिसको कहते हैं, भौतिक सुख समझते होंगे, हर आदमी जानता है भौतिक सुख, खान पान भौतिक सुख, वो खरीदें। और कुछ न कुछ सोने की वाली वस्तु जरूर उनको खरीदना चाहिए उस दिन धन त्रयोदशी को सायंकाल के समय, तो आप देखेंगे उनके घर में बहुत सुख शांति होगी। और खास करके 5 दिन एक चीज़ और ध्यान रखने की जरूरत है त्रिपाठी, शास्त्रों में ये कहा गया था, एक रिवाज भी था कि 5 दिन तक ना तो पहले ये कहा जाता था, द्वितीया द्वितीया लग जाती थी, और अवध प्रांत में तो खास करके अयोध्या में तो ऐसा रिवाज भी है कि 5 दिन तक कोई कर्ज लेता नहीं और 5 दिन तक देता नहीं, ऐसा शास्त्र बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई 5 दिन तक यदि लिया है तो मांगने मत आना और किसी को देना भी नहीं। अच्छा, आपने अगर किसी को दिए हुए तो वापस भी नहीं लेने आपको? देखो, दिया है आप वो वापस दे रहा है तो ले सकते हैं, लेकिन आप किसी आप को मांगने ना जाइए, मांगने मत जाइए, उसका भी सम्मान होगा और आपके घर में भी लक्ष्मी रहेंगी जी। तो उसी प्रकार से ये 5 दिन का महान पर्व है और ऐसा पर्व है बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। देखिए दीपमाला, ये जो पटाखा आदि ये चलाया जाता है, क्यों, ये खुशी से हुआ था कि भगवान राम जी घर आए हैं, सीता अनुज लखन सहित कितनी कितनी विपत्तियाँ आई, कितनी कितनी परिस्थितियाँ हैं, हम साल भर 6 महीने किन किन परिस्थितियों में जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। एक दिन ऐसा पर्व आता है, कोई एक प्रांत का पर्व नहीं है त्रिपाठी जी, ये पूरे देश का पर्व है, मिलजुल करके मनाना चाहिए। इसीलिए धन त्रयोदशी को वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि जल की वस्तु कोई, जैसे तांबे का या तो मग खरीद लें, पानी भर के रख सकते हैं आप, रख सकते हैं, वो खरीद लें, अथवा तांबे का गिलास खरीद लें, ये उनके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। अब धनु राशि वाले के लिए कहेंगे कि धनु राशि वाले क्या ले, उस दिन उनको चाहिए सोना खरीदें, अथवा घर में रोज यूज करने वाली, चाहे वो थाली है, प्रात है, गिलास है, सोना नहीं खरीद सकते तो पीतल का लेकर के आए, तो उनको देखेंगे साल भर तक, और उसमें रख करके यदि पानी पियेंगे तो एक तो रोगों का नाश होगा और उनके घर में समृद्धि का भी वास होगा जी। अब आपका बात अगली राशि करेंगे मकर राशि की। अब मकर राशि वाले लोग क्या करें, क्योंकि चूंकि मकर कुंभ मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा
कष्टकारी वर्ष भी कह सकते हैं जी, क्योंकि शनि संचार कर रहा है। शनि का मतलब होता है धीरे धीरे, शनि 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 है ना जी, जी। ये वर्ड है शनि, चाल भी बड़ी धीमी है, धीमी है, इसलिए संस्कृत में शनि माने धीरे धीरे, इसलिए शनि की प्रभाव। तो अब तुला राशि, चूंकि मकर राशि का स्वामी भी शनि है ना, और उस पर शनि का प्रभाव भी है, तो शनि राशि वालों को क्या करना चाहिए, उस दिन उनको कोशिश ये करनी चाहिए अपने घरों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया से सुंदर सुंदर डिजाइनिंग के पर्दे लाना चाहिए, पर्दे खरीदना चाहिए, सोने की वस्तु खरीदनी चाहिए, सोने और चांदी मिली दोनों खरीदना चाहिए उस दिन उनको, तो उनके घर में विशेष लाभ होगा मकर राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों को चाहिए, कुंभ का अर्थ होता है आप जानते हैं सात्विक अर्थ में घड़ा, तो उनको सोने का घड़ा लाए, चांदी का लाए, तांबे का तो बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, तांबे का नहीं लाना कुंभ, हाँ कुंभ वालों को ठीक है, तांबे का घड़ा नहीं लेना आपको, ध्यान रखना, हाँ तांबे का घड़ा नहीं लेना है। यदि वो और कोई घड़ा मिट्टी के तो नहीं, आजकल तो स्थिति आप देखते हैं बाजारों में बहुत अच्छे अच्छे सब चीज़ आ गई हैं, उनको लेना चाहिए। और अपने घर में यदि वो पत्नी समेत जाएंगे कुंभ राशि वाले, पत्नी का खूब आदर करें, उनको जितना सम्मान देंगे उतने उनके घर में समृद्धि रहने वाली है। तो 12 की 12 राशियों के लिए हो गया, ये 12 राशियों के लिए का सम्मान तो सभी को करना चाहिए। देखो इसलिए हमारे वेद में कहा गया नारी आस्ते पूजते तत्र मन्ते देवता, जहाँ जहाँ नारियों का सम्मान होता वहाँ देवताओं का वास होता है। अब राशि आती है, शुक्र होती है, शुक्र की है, और शुक्र और शनि दोनों मित्रता हो जाएगी ना तो घर में कितना आनंद हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, विलासिता का एकदम आप समझिए कि भंडार हो जाएगा, वैभव रहेगा आपका जीवन जो है, साल भर बहुत आनंद से व्यतीत होगा। तो ये सोने चांदी के अलावा और भी कोई धातु का घड़ा ले सकते हैं कुंभ वाले? ले सकते हैं, धातु का घड़ा ले सकते हैं, जैसे स्टील के आजकल, हाँ स्टील बहुत चलता नहीं है तो स्टील का भी ले सकते हैं, जो कि सोने या चांदी का तो बहुत ज्यादा, देखिए वो लोहा ही है, जी जी वो लोहा ही है, स्टील तो लोहा ही है भाई, उस पर निकल कर दिया गया तो लोहे से ही तो स्टील बना है, वो लोहे एक तरीके से। अब मीन राशि वालों को चाहिए उस दिन सोना तो खरीदे ही, लेकिन यदि कोई धार्मिक ग्रंथ लेकर आते हैं, किताबें खरीदते हैं, उस दिन तो उनको बहुत लाभ होने वाला है पूरे वर्ष तक। यदि वो लेकर के आते हैं और अपने घर में गीता है, रामायण है, भागवत है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, अपने घर में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके घर में यदि क्लेश चल रहा है वो शांति आ जाएगी। त्रिपाठी जी वो कहेंगे कि यार इस वर्ष मेरे यहाँ घर में ये चीज़ें ले आएंगी, ये क्योंकि ये शास्त्र वर्णित है, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों में लिखी चीज़ें हैं, यदि इनके अनुसार वो करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत चकाचक हो जाएगा उनके घर में, सब आनंद होगा। तो 12 राशियाँ हो गई जी, 12 राशियों तो ये आचार्य जी ने 12 राशियों को देखिए पूरा विस्तार से बता दिया कि धनतेरस वाले दिन आप क्या ले सकते हैं और कौन किस राशि का स्वामी है, किसके लिए कौन सी धातु फलदायी है, क्या करें और क्या ना करें, इस पर हम जरूर बात करेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी कुछ ऐसी ये 5 दिन, जैसा कि आपने एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि कर्जा न लें न दें, ऐसा हमारे पूर्वज पूरा इसका विधान मानते चले हैं। अभी इस वक्त में चूंकि जिस तरह के शहरी जीवन लोगों का है, बहुत सारी ऐसी बातें जो लोगों को नहीं पता और बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं पता और अनजाने में वो कर देते हैं जो बहुत नुकसानदायक हो सकती है इन 5 दिनों में, वो क्या क्या बातें आप बताना चाहिए? देखो एक तो पहली बात ये करना चाहिए कि सबसे पहले जितने भी पर्व त्यौहार आते हैं, सबसे पहले घर में जितने बुजुर्ग लोग हैं, ये खास करके सब राशि वाले ध्यान दें, यदि अपने घर के श्रेष्ठ लोग जितने हैं, माता वृद्ध हैं, दादा हैं, पिता हैं, बड़े जितने लोग हैं, उनको सम्मान के साथ रखें अपने घर में। यदि उनको सम्मान के साथ अपने घर में रखेंगे और सब परिवार मिल करके इस त्योहारों को, इन पर्वों को मनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके घर में समृद्धि का वास हो जाएगा। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है जी क्या, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, है ना, अर्थ भी बता दीजिए। जहाँ सुमति यानी कि जिस परिवार में सुमति है, जहाँ सुमति है वही संपत्ति है, और जहाँ संपत्ति है वही सुख है, जहाँ संपत्ति है वही धर्म है, जहाँ संपत्ति है वही दान है। भाई दान तो आपके पास धन होगा तभी करेंगे, बिल्कुल, और धन आएगा कैसे, इसीलिए पुरुषार्थ से आएगा, तो पुरुषार्थ भी चाहिए, इसीलिए वेद कहता है धर्म और रक्षित रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। भाई गाड़ी है आपके पास और उसमें तेल नहीं है तो भी नहीं चलेगी, और गाड़ी है और चलाने वाला तेल भी फूल है नहीं है तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसलिए धर्म और रक्षित रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। और इसलिए कहा गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और खास करके ये दिवाली जो पर्व है त्रिपाठी जी, इस पर्व में सबसे पहले पितरों की पूजा से तो शुरू होता है,
दिवाली पर्व उसकी क्या विधि, पितरों की पूजा की क्या विधि रही? अब आप मान लीजिए श्राद्धों में जिनके माता पिता नहीं कर पाए, श्राद्ध नहीं कर पाए, उनको उस दिन चाहिए 1 तारीख को। उदया तिथि में भी अमावस्या है जी। सबसे पहले प्रातः काल गंगा स्नान करें, ये 31 तारीख को करना है। 1 तारीख को। अच्छा, 1 तारीख को सुबह। 1 तारीख को गंगा स्नान करना चाहिए प्रातः काल जी। और यदि आप गंगा जी नहीं जा सकते, यमुना जी नहीं जा सकते, नर्मदा स्नान नहीं कर सकते, तो आप क्या करें? गंगा जल रखा है। हाँ, तो घर में गंगा जल रखा है उसको डाल करके, गंगा जल भी नहीं है तो आप कहेंगे गंगा स्नान का फल कैसे मिले? लिखा है गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ते। हाँ। गंगा का केवल दर्शन करने से जीव मुक्त हो जाता है, तो आप गंगा जल भी नहीं है, आप कहेंगे कैसे करें? आप हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे 5 बार बोल करके, और प्रातःकाल मैं बताऊँ त्रिपाठी जी, इस समय तो वैसे ही बड़ा पावन महीना है, इसलिए शास्त्र में कहा गया कि कार्तिक का वो महीना है कि प्रातः काल उठना चाहिए। प्रातः काल उठने का कई अर्थ में देखेंगे आप। प्रातः काल उठने से आपके जो शरीर में, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो आपको आबो हवा बहुत शुद्ध मिलेगी और आप स्वस्थ रहेंगे पूरे वर्ष तक। प्रातः काल स्नान करने से आपके शरीर से रोगों का नाश होता है। आप जानते हैं एक एक छिद्र से ये श्वास लेते हैं, ये तो वैज्ञानिक है और शास्त्रवाद तो है ही है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और गंगा जल नहीं है, तो हर हर गंगे गंगा जल बोल करके स्नान करिए। उसके बाद में अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो मंत्र है ओम आत्म रूपाय विद्महे पितृ रूपाय धीमहि तन्नो पित्रः प्रचोदयात्। ये पौराणिक मंत्र है, यह भी नहीं पढ़ सकते तो कल आप इतना कह सकते ओम स्वधा स्वाहा, ओम स्वधा स्वाहा, ऐसे करके कम से कम 27 आहुति। कंडा ले लें, उपल जिसको बोलते हैं, उपला वो ले लीजिए गाय का, या किसी का भी मिल जाए तो पवित्र माना गया है। नहीं, आम की लकड़ी ले लीजिए, थोड़ा सा आप घर में तिल ले लीजिए, जौ ले लीजिए, ठीक है ना, देसी घी ले लीजिए, पंचमेवा ले लीजिए, धूप की लकड़ी ले लीजिए, सफ़ेद तिल ले लीजिए, ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत भी नहीं है। इन सबको आपस में मिला लीजिए घी डाल करके, और आप गायत्री मंत्र से आहुति कर दीजिए। कोई मंत्र नहीं आता है, या मैंने जो मंत्र बताया है ओम स्वधा स्वाहा, केवल यदि आप 3 बार भी यह अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए बोल देते हैं तो आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। जब हम घर लेते हैं, संतान आती है, हमारे पितरों की बड़ी आकांक्षा होती है कि हमारे कुल में भी लोग हैं, हमारे लिए दीप जलाएंगे, हमारे लिए गंगा स्नान करेंगे, हमारे लिए करेंगे। तो लिखा है यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा था कि कहा महाराज, सब कहते हैं हम सर्वभूतेषु सब कुछ मैं ही हूँ, तो ये पितर कहाँ से आ गए? सही बात है ना, ये पितर कहाँ से आए जब सब कुछ आप ही है? तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अहम पितृभ्यो। जब कोई अपने पितृ के स्वरूप को मान करके पूजा करता है तो मैं उसके पितृ का स्वरूप धारण कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? पितृ का स्वरूप ही धारण कर लेता, धारण कर लेता हूँ। नारायण स्वयं, नारायण स्वयं, और उसके द्वारा दिए जाने वाला हव भी कहते हैं जो देवताओं के लिए किया जाता है, और कव्य कहते हैं जो पितरों के लिए किया गया है ना। और इस हाथ से भी त्रिपाठी जी आप जानते होंगे बहुत सारा विधान है, ना जानते हो तो कहिए, आपके आदेश हो तो ये करें। देखिए, आप सीधे हाथ से देते हैं, देवताओं के लिए होता है, यदि आप सीधे हाथ से देते हैं, अर्घ ऐसे सीधे हाथ से दिया जाता है, वो देवताओं को मिला, इसलिए आप इस पर प्रकाश डालना चाहते हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है जी, जी, और जिससे लाभ से वो वंचित रह रहे हैं। सीधे हाथ से आप देंगे देवताओं के लिए, आप हाथ के इस कर से देंगे, ये वाला भाग जो ये ऋषियों के लिए है। अच्छा। जब ऋषि श्राद्ध किया जाता है, ऋषियों के लिए तर्पण किया जाता है, तो इस तरफ से करना चाहिए। यदि आप पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो ऐसे करना चाहिए, अंगूठे और इसके बीच से जल जाना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि यज्ञोपवीत्र चारों वर्णों के लिए है। हाँ। कुछ लोगों को नहीं पता होगी, नहीं जानकारी, लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण मनुवादी कभी रहा ही नहीं, और ब्राह्मण ने तो चारों वर्णों के लिए यज्ञोपवीत है, ब्राह्मण के लिए, लेकिन उसमें महत्व है सूत्र कितना होना चाहिए, ब्राह्मण के लिए कितने सूत्र का, क्षत्रिय के लिए, फिर वैश्य के लिए, फिर हमारे चौथे भाई के लिए, है ना। तो वो करके और अंगूठे में फंसा करके यदि आप पितरों को देते हैं, कुछ ना निकाले, केवल काला तिल डाल लें, थोड़े से अक्षत डाल लें, चावल डाल लें, और उनका नाम लेकर के ओम स्वधा स्वाहा, ओम स्वधा स्वाहा, ओम स्वधा स्वाहा लेते हैं। और एक मंत्र और है, मैं आपको बताऊं त्रिपाठी जी, अमूमन लोग जानते हैं लेकिन वो जानते नहीं, एक मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो स्तुते। अब इस मंत्र को जब आप पढ़ते तो 11 देवियों की पूजा होती है, इसमें 11 देवियों की पूजा होती है जी। हाँ, और स्वाहा और स्वधा पितरों का भी आ गया जी, तो आप ईश्वर के लिए और स्वधा पितरों के लिए, पितरों के लिए हो गया।
जी है ना। ये लेकिन पंडित जी जो ऐसा बताते हैं कि पितृ दोष जैसा एक कुछ शब्द होता है, तो पितृ दोष क्या इससे मिट जाएगा? क्योंकि पितरों का दोष कहते हैं कि वो परिवार पे बहुत नेगेटिविटी लेकर आता है। मैं आपको आज बताऊं आजकल चर्चा क्या है। मैं ज्योतिषियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहता हूं और क्षमा के साथ कह रहा हूं, आजकल हर आदमी पितृ दोष, अरे भाई पितृ दोष है क्या? सबसे पहले जो है त्रिपाठी, ये जानने की जरूरत है कि पितृ दोष है क्या जी, किसे कहते हैं पितृ दोष? अब आपके पिता जीवित हैं, आपके दादा जीवित हैं, कैसे पितृ दोष आपको लग गया? पितृ दोष का मतलब है जब आप गऊ की अपमान करते हैं, तीर्थों का अपमान। पितृ दोष लगता कितने प्रकार से, अभी बहुत सारे गृहस्थियों को ये नहीं पता होगा। मैं ज्योतिषियों की बात नहीं करूंगा क्षमा के साथ, क्योंकि जब आप तीर्थों की निंदा करते हैं तो दोष लगता है, अपने माता पिता की निंदा करते हैं, अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो पितृदोष बनता है, आप अपने गुरु का अपमान करते हैं तो पितृदोष बनता है, लिखा है आप जिस जन्मभूमि में रहते हैं उस जन्मभूमि का अपमान करते हैं तो भी पितृदोष। और केवल आप तीन बार बोल दिए ओम स्वधा स्वाहा, ओम स्वधा स्वाहा, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, उनको याद कर लीजिए, उनको क्या चाहिए। और जब पितृपक्ष 15 दिन आता है तो एक उसका एक विधान है जो अभी गया, अभी गया है, उसकी आगे चर्चा करेंगे कि भाई कैसे करना चाहिए पितृ पूजा, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी है, किसी के पास समय नहीं है, तो इतना भी समय नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, अभी हनुमान जयंती आ रही है ना। अब उस दिन लिखा है कि हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र आप सिद्ध किए जा सकते हैं, उन मंत्रों में दीपावली की रात को सिद्ध किया जाता है, उसमें एनर्जी आ जाती है, उसमें ताकत आ जाती है। तो उस दिन क्या करें भाई, आ रही है अभी, तो उसमें एक मैं साधारण आपको लगेगा लेकिन एक विशेष मंत्र बताता हूँ, आपका आदेश हो तो उस मंत्र की चर्चा हम करें। जी जी, मुझे चूंकि अगर हम कर सकते हैं तो प्लीज जरूर करें। अच्छा, मंत्र ये है जी, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हरे, सर्व रोग हरे, सर्व वशीकरणाय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय, रामदूताय, स्वाहा स्वाहा। अब वशीकरण का कदापि अर्थ ये नहीं कि किसी को किसके बस में करना, वो प्रेम के संबंध में, प्रेम में। और मैं बताऊं, हमारी इंद्रिया जो हैं 5 ज्ञान इंद्रिया 5 कर्म इंद्रिया, वो हमारे बस में रहे, वो इस वशीकरण की बात इसमें हो रही है कि हमारा मन बहुत चंचल ना हो, हमारा नेत्र बहुत चंचल ना हो, हमारी जिह्वा बहुत चंचल ना हो, है ना, ये इंद्रिय ही तो है। बिल्कुल, और ज्यादा परेशानियों की वजह यही बनती है। अच्छा, अब नमो हनुमते रुद्र अवतार है, साक्षात भगवान शिव के अवतार है, है। रुद्र अवतार है, सर्व शत्रु संहारण है, काम क्रोध लोभ मोह सबसे पहले तो अपने ही शत्रु है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। उन शत्रुओं को नाश हो और बाकी भाग दौड़ की जिंदगी में भी वैसे बहुत शत्रु होते हैं। तो आप इस मंत्र का यदि हनुमान जयंती पर मित्रों करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपके सारे शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। जी, नमो हनुमते रुद्र अवतार आय, सर्व शत्रु संहारण, शत्रु को संहार नहीं करना, उसको मित्र बना लेना। हाँ, मित्र, मंत्र का अर्थ यही है, शत्रु संहारण है, रोग हरे, जितने आपके शरीर में रोग है, व्याधि है, कष्ट है, उन सबका हरण हो जाएगा। जी बिल्कुल, और चूंकि धनतेरस की बात ही हमने अभी, हालांकि हनुमान जयंती उसके बाद काफी समय बाद है, और दिवाली भी हनुमान जी की पूजा होती है, दीपावली में, दीपावली पर भी होती है, उससे बीच में पंडित जी आचार्य जी एक क्या आता है, नरक चतुर्दशी। जी, ये नरक चतुर्दशी पे क्या करें? नरक चतुर्दशी पर ही हनुमान जी की पूजा होती है। अच्छा, तो ये सुबह में, दिन में होगी, शाम के समय? ये 31 तारीख को होगी। अच्छा, 31 तारीख की शाम को कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन पूजा 3:53 या 54 मिनट तक ही करना चाहिए, उसके बाद अमावस्या लग जाती, उसी को लेकर के तो बहुत सारे ज्योतिषी कर रहे हैं कि 31 तारीख को दीपावली करो। नहीं, उस दिन नरक चतुर्दशी है, उस दिन विशेष करके आपके अपने सुख के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, जो बहुत सारे आपने धन रखा है, बहुत सारी चीज़ें रख रखी हैं, उनको आप सहजता से नरक चतुर्दशी पर आप उनको देखते हैं कि भाई घर में सब सुरक्षित हैं, सब करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिवार को एकत्रित करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, सामूहिक रूप से आप भगवान का आवाहन करेंगे। यही बात भगवान शिव ने कहा था, जब पृथ्वी अकुलाई
और कहा कि महाराज भगवान के लिए कहाँ चलें। तो भगवान शंकर जी बोले मैं भी उस सभा में था, तो भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे कि कैसे नहीं है, तो भगवान शिव की वाणी है जो शिव जी ने कहा, वो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। भगवान शिव ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो हर जगह है लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होए मैं माना। भगवान शिव ने कहा यदि आप प्रेम से बैठ करके ईश्वर को जहाँ बुलाएंगे भगवान वहीं आपको प्रकट हो जाएगा, वो यानी कि उसकी कृपा की आपको अनुभूति हो जाएगी। तो इसलिए सब परिवार को नर चतुर्दशी दिन को, वैसे तो 5 दिन दीपमाला करनी चाहिए, उस दिन शाम को भी दीपक जलाना चाहिए खास करके अपने पितरों के लिए। अच्छा, 5 जगह दीपक जलाने का बड़ा महत्व है जी त्रिपाठी का। सबसे पहले कहा गया है कि यदि आप मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, मंदिर के द्वार पर जलाना चाहिए, चौराहे पर जलाना चाहिए, और यहाँ तक शास्त्रों में जो वर्णित है वो श्मशान भूमि भी कहा गया है। यदि आप श्मशान भूमि में, लोग आप डर जाएंगे कि श्मशान भूमि कैसे जाए, श्मशान भूमि के अंदर नहीं जाना होता, आप बाहर बैठ करके उस ज्योत को, वहाँ जो बाहर प्रांगण होता है जहाँ तक पब्लिक जाती है, वहाँ आप ज्योत जला दीजिए, आप देखेंगे कि आपके घर में यश की वृद्धि बढ़ती चली जाएगी, आपके घर से क्लेश दूर होता चला जाएगा। तुलसी के पास दीवा जलाना चाहिए, अपने घर की अट्टालिका पर दीवा जलाना चाहिए। ये 5 जगह मैंने बताया, इन 5 जगहों पर यदि आप दीपक जलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत। तो ये 5ों दिन जलाना या दिवाली के दिन या किस दिन? देखो नियम तो ये था 5 दिन जलाया जाए, लेकिन आज भागदौड़ की जिंदगी में आप 5 दिन नहीं कर सकते, तो एक दिन कर सकते हैं किसी भी दिन। आप उसको कोशिश तो ये करें कि 1 तारीख को करें यदि कारण बस, हाँ दिवाली के दिन, और दिवाली के दिन नहीं कर सकते तो 31 तारीख को भी कर सकते हैं सायंकाल के समय, तो भी कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन कोशिश ये करें कि 1 तारीख को समय निकाल करके इसको जरूर करें जी। आप करेंगे तो देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, क्योंकि प्राकृतिक चीज है, यदि हम प्रकृति की संरक्षणा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगा जी। और सनातन हमें इसी बात की शिक्षा भी देता है और इसी बात का ज्ञान भी देता है कि अपनी अपने संस्कृति की, परिवार की, सबकी रक्षा के लिए, सबसे प्रेम व्यवहार के लिए ही वो सारी विधा और सारे तरीके बताए गए हैं। उसमें बिल्कुल प्रकृति से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, और जैसा आचार्य जी ने बताया कि बहुत, अगर आप साधन संपन्न नहीं भी हैं तो बहुत थोड़े से आप साधन जुटाने होंगे, आपको जल तो आपको पीना ही है तो जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, तिल ले लीजिए, तो ये सब विधा जो है बहुत ही आसान और बहुत ही लाभकारी होगी। आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो आपको और प्रेरित करेगा आगे जाने के लिए, जैसा आचार्य जी ने बताया। दिवाली वाले दिन आचार्य जी कुछ बातें ऐसी हैं, क्योंकि दिवाली की जो रात होती है अमावस्या की रात होती जी है और बड़ी शक्तिशाली ये रात होती है, इसमें आप सिद्धियां भी हासिल कर सकते हैं और इसमें कुछ नुकसान भी आपको हो सकते हैं जिस बातों को अगर आप ध्यान ना रखें, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो दिवाली वाले दिन नहीं करें? देखो दिवाली वाले दिन यदि आपको, कई लोग क्या करते हैं कि वो साधारणतया YouTube पर या किताबों में पढ़ लिया कि मंत्र सिद्धि करना है, लेकिन मंत्र सिद्धि बिना गुरु के नहीं होती, बिना नहीं होगी, और मंत्र का सही उच्चारण भी जब तक नहीं होगा, जैसे दुर्गा सती सप्तशती में है भार्याम रक्षत भैरवी। अब एक पंडित जी थे, छोटी सी कहानी सुना रहा जी, बिल्कुल। वो पंडित जी थे, अब वो इतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो क्या कहते थे, दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे तो कहते थे भार्याम भक्षति भैरवी। उन्होंने एक विवाह किया, पत्नी का निधन हो गया, दूसरा किया वो भी हो गया, तीसरा किया भारिया माने पत्नी, तीसरे का भी निधन हो गया। उन्होंने दिन अपना पोथी पत्रा उठाया और कहा ले जा करके इसको मैं जो है गंगा जी में प्रवाहित कर दूंगा। जब वहाँ गए तो माँ भगवती साक्षात प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि पंडित जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले मैं पूजा करके करूँ क्या, मैं पाठ करते करते हो गया कि मेरी पत्नी सदैव अच्छा रहे, मेरे साथ रहे और उसकी रक्षण हो। तो माँ ने पूछा कि पंडित जी आप मंत्र क्या पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा मंत्र मैं पढ़ता हूँ, पूरा मंत्र तो लंबा मंत्र है, भार्या भक्षति भैरवी। कहा पंडित जी ये आप कहते तो कि मेरी भार्या का भक्षण करो, ना करूँ तो आपकी वाणी का भी निरादर हो जाएगा। तो कहा करना क्या? उन्होंने कहा भार्याम रक्षति भैरवी है, भार्याम रक्षति भैरवी, आप मेरी भार्या की रक्षा करो। तो इस कलयुग में त्रिपाठी जी कुछ लोग मंत्र को नहीं जानते, शुद्ध उच्चारण नहीं जानते, कुछ लोग जो परेशान है वो कहीं सच में कहीं भक्षति बोल करके कहीं माता रानी से प्रार्थना ना करने लगे। हाँ ये इसलिए परेशान है, इसलिए रक्षति है जी, रक्षति, तो इसलिए बहुत सारे मंत्र हैं। आप सात्विक रूप से भी हाथ जोड़ करके माँ से कहते हैं कि हे माँ लक्ष्मी जी, कुबेर जी, रिद्धि सिद्धि जी, मेरे घर में आप सब परिवार आइए, विराजमान होइए। इतना तो हर आदमी जानता है। ये देखिए ये वेदों में कहा गया और ये मैं
आवाहन आप कर सकते हैं कोई भी, और इसको नोट डाउन भी करते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम वाणी हेगड़ाभ्याम नमः, ओम सची पुंद्राभ्याम नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इतना कह करके भी यदि आप पूजा कर लेते हैं तो समझो आपने सारे देवी देवताओं की पूजा कर ली। तो ये आचार्य जी, ये डेली जो हम मंदिर में पूजा करते हैं, धूप दीप करते हैं, उस समय भी हम इसका उच्चारण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं भाई कि हमारी भगवान बुद्धि सुधरे। देखिए माथे पर तिलक लगाने से क्या होता है, आप भी जानते हैं, ब्रह्मरांध्र है यहाँ पर, भाग्य चक्र है, आप यहाँ तिलक लगाते हैं तो वो चक्र जागृत हो जाता है, आपकी बुद्धि जागृत हो जाती है, इसलिए वहाँ तिलक लगाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि शिखा रखने से, शिखा का अपना महत्व है, शिखा सूत्र का है नहीं है, पहले से ब्राह्मण कहते चले आए, शास्त्र कहते चले आए, तब नहीं माना, कोरोना में सबने माना कि भाई अभिवादन चील से, हमारे यहाँ कहा गया अभिवादन करना है, सील करना है, यह हाथ मिलाने की पद्धति तो भारत वर्ष में रही नहीं है ही नहीं, पैर छूने की साइंस भी कहता है कि आचार्य जी अगर हम किसी को छूते हैं तो हम अपनी मेमोरी अपना डाटा ट्रांसफर एक तरह से वो हो रहा है, अगर नेगेटिविटी है तो वो जाएगी, यही तो वेद ने कहा, सामने होगी तो वो आपके पास आएगी। अब देखिए हमारे देश के लोग क्या कहते हैं ना, कोई बाहर का व्यक्ति कह दे तो उसको मान लेते हैं, अब कहा कि ये विज्ञान ने नासा ने कह दिया ऐसे, हमारे देश से तो करोड़ों वर्षों से तो ऋषि यही कहते चले आए भाई कि अपना जहाँ भोजन बनता है उसको पवित्रता रखिए, वहाँ जूते लेकर मत जाइए, वहीं बाहर से कपड़े पहन कर आए हैं उसको मत लीजिए। आप सोचिए कितने कीटाणु होते होंगे, वो कीटाणु आपके भोजन में जाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। यही जब हम लोग कहते चले आए, शास्त्रों ने कहा तो लोगों ने कहा कि ये तो ब्राह्मण छुआछूत फैलाते हैं भाई, ब्राह्मण छुआछूत, जितनी बातें वेदों में है सब साइंटिफिक है, सब लॉजिक है, बिना लॉजिक कि कोई बात कही नहीं गई है, एक एक बात 100% खरा है, विज्ञान पर भी और शास्त्र में तो शास्त्र सम्मत ही है। आचार्य जी जितना थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ता हूँ या देखता हूँ, आप जैसे गुणीजनों से थोड़ा बहुत सानिध्य अगर मिलता है तो ये बात समझ में आती है कि जिन लोगों को जिस बारे में नहीं पता वो उसे अस्वीकार कर देते हैं कि हमें नहीं पता, हम नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप थोड़ी जानकारी जुटा सकते हैं, लेकिन उसे नकार देना उसका हल नहीं है। अगर आपके कोई पुरोहित या पुजारी या आपके कोई गुणीजन अगर आपको कोई जानकारी दे रहे हैं और आपको उसके बारे में और प्रमाण चाहिए तो आप उनसे जानकारी लें, प्रमाण लें, लेकिन उसे नकारे नहीं, ये कहीं आपके लिए अहित ना हो जाए, इसलिए भी ये पॉडकास्ट में हम इस बारे में बात कर रहे हैं। और पंडित जी ने दिवाली के बारे में बहुत सारी बातें बताई, दिवाली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, और ये 5 दिन जो हैं वो आपको धन धान्य से, स्वास्थ्य से एकदम लाभान्वित कर देने वाले हैं। दिवाली एक और आता है पाटी, आप देखते हैं कि धान की खील चढ़ाई जाती है, है ना, दिवाली वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी को, उसका भी बड़ा अपना महत्व है जी। देखते हैं जो ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं वो जानते होंगे कि एक धान का पेड़ जब रुपाई होती है तो एक धान से कम 200 धान पैदा होते हैं। तो खील चढ़ाने का सात्विक अर्थ ये है कि घर में जो आपके समृद्धि है ये समृद्धि आगे और कैसे बढ़े, आप धन धान्यशाली हों। और क्योंकि आप कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मी जी, अच्छा लक्ष्मी का सात्विक अर्थों में वाहन क्या है, उल्लू जी, और उल्लू को दिखाई कब देता है, दिन में दिखता है, नहीं दिखता है। रात में नहीं दिखता, रात को दिखाई देता अच्छा, है रात को दिखता है, रात अच्छा, को उल्लू हाँ। दिखाई देता है जी, दिन में दिन नहीं, में नहीं दिखाई देता है। तो अब जो उल्लू को रात में दिखाई देता है तो वो पैसा आपको बहुत लाभकारी होने वाला नहीं है, नहीं है। तो आप कौन सी लक्ष्मी का आह्वान करें, आप कहें कि विष्णु सहित लक्ष्मी मेरे घर में आवे, जब विष्णु सहित लक्ष्मी आपके घर में आएंगी तो आपके घर में सुख बढ़ेगा, आपके घर में पैसा बढ़ेगा, आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी। और खाली लक्ष्मी को बनाएंगे तो लक्ष्मी तो भाई उल्लू है, उल्लू को दिन में दिखाई देता नहीं, वो तो फिर आप समझ लें किधर भी लेके जा सकता लेके जा सकता है। तो माता लक्ष्मी को घर में रखना है, आप चाहते हैं कि वो टिकी रहे तो इसलिए भी श्री हरि के साथ उनका स्वागत करें, क्योंकि जो माता लक्ष्मी को आचार्य जी वो आशीर्वाद जो कि अगर आप माता लक्ष्मी जो आशीर्वाद दे देंगी वो धंधाने से परिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन भगवान श्री हरि उसे वापस भी कभी भी ले सकते हैं, ये वाला प्रसंग भी बताइएगा। देखो ऐसा है कि मैं कह रहा हूँ दीपावली पर बहुत सारे लोग कहते हैं हमें मंत्र नहीं आता, मैं छोटा सा मंत्र बताऊँगा, मंत्र वैसे बड़ा है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो एक जिसको बोलते हैं लक्ष्मी गायत्री जी, ठीक है ना, लक्ष्मी गायत्री है, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का आप जप कर लें। आप यह भी नहीं कर सकते तो ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः,
ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः ये कर लें, यह भी नहीं कर सकते तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः इसका जप कर लें, अपने घर में ज्योत जलाएं और ज्योत जला करके यदि आप कोई मंत्र जानते हैं तो वहाँ बैठ करके यदि आप उस मंत्र का जप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो आप देखेंगे वो मंत्र जागृत हो जाएगा, आपके अंदर एनर्जी भर देगा, आपको शक्ति दे देगा, आपको साहस दे देगा। हमें पूजा क्यों करनी चाहिए, बड़ा प्रश्न है भाई, हमें पूजा क्यों करनी चाहिए? सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, आप जानते हैं प्रत्यक्ष देवता हैं, उसी प्रकार से हम जब देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो उसका विशेष लाभ हमको मिलता है जी। और उसमें स्वास्थ्य लाभ भी है, स्वास्थ्य लाभ तो नहीं है। पहले कहा गया भाई चार प्रकार के सुख कहे गए, पहला सुख निरोगी काया, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके घर में धन रहेगा त्रिपाठी जी, और दूसरा सुख जब घर में माया भाई आपके घर में जब माया रहेगा, और फिर तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी भाई, धन भी आ गया, स्वस्थ हैं आप तो धन आएगा, धन से फिर पैसा आएगा यदि आप स्वस्थ हैं। अब आपको 104 बुखार है, आप कैसे ब्रॉडकास्टिंग यहाँ कर सकते हैं, कैसे फैक्ट्री जा सकते हैं, कैसे दुकान जा सकते हैं, कैसे पूजा कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो वेद में कहा गया शरीर माध्यम खल धर्म साधनेशु, जितना भी दुनिया का सुख साधन वैभव है, यह प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान को किया था कि सबसे जरूरी वस्तु क्या है, तो अर्जुन से भगवान कृष्ण का शरीर माध्यम खल धर्म साधनेशु, दुनिया का जितना धर्म साधन है वो शरीर के माध्यम से है, तो पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जब घर में माया, तो माया कैसे आएगी जब आप स्वस्थ रहेंगे जी। और तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, पति पत्नी में प्रेम होना ये बहुत बड़ा सुख है ना। फिर चौथा सुख सुतज्ञाकारी, जो आपके बच्चे हों, परिवार हों, बेटा हों, बेटी हों, आपके कहने में रहें हैं। फिर पांचवा सुख है प्रतिष्ठा भारी, कि आपके नगर में शहर में आपकी प्रतिष्ठा हो, तो उसी प्रकार से प्रमुखता से तो ये चारों की प्रमुखता। और ये आचार्य जी पूरा सीक्वेंस में, पहला अगर आपको सुख है तभी आपको दूसरा मिलेगा, और पहला और दूसरा है तभी आपको तीसरा मिलेगा, पहला दूसरा तीसरा तभी आपको चौथा मिलेगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े मिले हुए हैं जी, तो इसीलिए शास्त्रों ने कहा ये भी जरूरी है। और जो आपने, मैं एक बहुत ही बीच में आपको रोक रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपने साथ में प्रार्थना करने की बात कही, आज कोई शहर में रह रहा है, कोई गाँव में रह रहा है, कोई एक ही शहर में दो अलग अलग जगह परिवार रह रहे हैं, तो संभव नहीं हो पाता कि सब साथ में प्रार्थना करें। साथ में प्रार्थना करने का क्या महत्व है? देखो लिखा है कि यदि आप एकत्र भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं, और ये प्रश्न किसने किया? नारद जी ने किया। नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, भगवान ने कहा ना हम बसाम च वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। कहा फिर कहाँ रहते? क्षीर सागर में रहते होंगे, बोले क्षीर सागर में भी नहीं रहता। फिर बोले योगियों के हृदय में रहते होंगे, भगवान ने कहा वहाँ भी नहीं रहता। तो नारद जी ने कहा महाराज फिर आप रहते कहाँ? आप बैकुंठ में नहीं रहते, आप अयोध्यापुरी में नहीं रहते, आप मथुरापुरी में नहीं रहते, आप साकेत में नहीं रहते, आप बैकुंठ में नहीं रहते, तो फिर आप रहते कहाँ? फिर आप योगियों के हृदय में रहते होंगे, उन्होंने कहा वहाँ भी नहीं रहता। तो फिर कहाँ रहते हैं? बोले मम भक्ता जी, मेरे भक्त लोग जहाँ एकत्रित सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर मेरा गुणगान करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं, मुझे याद करते हैं, मैं तो वहीं होता हूँ। तो सामूहिक पूजा का ये महत्व है कि भगवान आपकी पुकार को, आपकी प्रार्थना को, आपके प्रेयर को सुनता है, इसलिए सामूहिक पूजा बहुत जरूरी है। उससे फिर क्या होगा? परिवार में प्रेम बढ़ेगा। इसलिए शास्त्र ने पहले कहा था कि परिवार को एक साथ यात्रा कहीं नहीं करनी चाहिए, पहला नियम यह है। लेकिन भोजन करते समय सबको साथ करना चाहिए, माता पिता के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, उसमें प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। आज आप देख रहे हैं घर घर में कटुता चली आ रही, भाई भाई से नहीं बोलना चाहता, बेटा पत्नी से नहीं बोलना चाहता, पति पत्नी में क्लेश हो रहा है, पिता पुत्र में हो रहा है, उसका कारण यही है, साथ बैठकर भोजन नहीं कर पाते। अरे भाई मोबाइल की कैपेसिटी एक तो सबसे ज़्यादा इस मोबाइल ने सत्यानाश किया हुआ है, घर में चार सदस्य हैं, चारों बैठे हैं अलग अलग। अच्छा जी, मुझे लगता है कि मोबाइल समस्या नहीं है, समस्या हमारा विचार है, समस्या हमारा अप्रोच है, जो हम प्रयास करते हैं। मोबाइल तो हमारे सुख साधन के लिए था, हमारी आवश्यकता के लिए था, लेकिन हमने उसे आवश्यकता से अधिक अपने जीवन में उसे स्थान दे दिया। आवश्यकता है मैं मान सकता हूँ, देखो इसीलिए शास्त्र ने कहा गया कि भोजन की एक मात्रा है जी, मानेंगे ना कि भोजन एक मात्रा में किया जाए तो आपके शरीर के लिए पुष्टकारी होगा, लाभकारी होगा और आपको स्वस्थ रखेगा। यही भोजन जब आप अत्याधिक कर लेंगे तो आपको निंद्रा आएगी, आपको तंद्रा आएगी, आपको आलस्य आएगा, आपको प्रमाद आएगा, पांच चीजें आएंगी, पांच दुर्गुण आ जाएंगे।
तो अधिक मात्रा में जब आप करते हैं, देखिए उपयोग में औषधि ली जाती है तो शरीर को रक्षा करती है, वही औषधि की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, दवाई रिएक्शन कर गई भाई, विष बन जाती है। तो इसलिए उसकी उपयोगिता है, भौतिक युग में उसको उपयोग करना चाहिए। उसके लिए एक समय निकाल लीजिए कि आधे घंटे हमने रहने ही रहना है, रहिए एक घंटे रहिए, लेकिन सारा दिन तो मत रहिए। बिल्कुल, आपसे चर्चा करते हुए आचार्य जी मुझे समय का बिल्कुल भान नहीं रहा, बहुत समय हो गया, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें भी उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना मुझे आ रहा है। और चर्चा को हम अब विराम देंगे, लेकिन उससे पहले चलते चलते मैं दो और जो महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए थे मैं चाहूँगा आप उसे शॉर्ट में बताएं। तो गोवर्धन पूजा उसकी तिथि क्या है, क्या समय रहेगा, और उसके बाद भाई दूज किस तिथि में मनाएं और कैसे रहेगा? देखो गोवर्धन पूजा 2 तारीख को ही करना चाहिए, शास्त्र सम्मत है गोवर्धन पूजा, ये इसमें कोई दो मत है नहीं। 2 तारीख को गोवर्धन होगा और 3 तारीख को भाई दूज मनाया जाएगा। देखिए भाई दूज की भी बड़ी महिमा है, उसमें भी मंत्र की विधि बताई गई है कि भाई को कब करना चाहिए। वहाँ बहने जाएं, भाई को स्वस्ति तिलक लगाएं, ठीक है ना, कुमकुम का अक्षत का तिलक लगाएं, भाई की आरती उतारें, उनके ऊपर पुष्प डालें, ये एक विधि है, वैदिक विधि है, उसको करके और अपने भाई का मुंह मीठा कराया जाता है। और यम द्वितीया का यहाँ तक भी महात्म्य है, कई लोग कहते हैं कि यम और यमुना जी दोनों बहने हैं, भाई बहन हैं, तो उनको यम द्वितीया को यदि यम की यमुना की पूजा की जाती है। अब यमुना का पूजा का मतलब हो गया प्राकृतिक की पूजा जी। यदि हम जल की रक्षा करेंगे, जल का संरक्षण करेंगे, अब आज देखते हैं यमुना का क्या हाल हो रहा है, गंगा का क्या हाल हो रहा है, इसके जिम्मेदार हम आप हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, कोई सरकार इसको पूरा नहीं कर सकती, कितना कर लेगी। इसलिए यमुना पूजन का अर्थ है, यमुना में आप दूध से अभिषेक कर दीजिए, दही से कर दीजिए, घी से कर दीजिए, शहद से कर दीजिए, पंचामृत बनाकर यमुना जी में अभिषेक करिए, यमुना का जल भी शुद्ध होगा और आपको भगवान की कृपा भी होगी, यमराज की कृपा भी होगी। उनके बहन की जो पूजा करता है उसको यम का भय नहीं रहता है, अकाल मृत्यु से अभयदान हो जाएगा, अकाल मृत्यु से अभयदान हो जाएगा, आने वाली उसके घर में समस्या जो यम भय रहता, जो लोग बहुत भयानक भयानक सपने देखते हैं वो सपने देखना भी बंद हो जाएगा। ये भी अच्छा है, तो ये यम और यमुना जी की दोनों भाई बहन थे, तो उनके चलते आप यमुना जी में स्नान और यमुना जी का पूजन और उसके लिए ऐसा भी वर्णित है शास्त्रों में, बहन के घर जाना होता है ऐसा कुछ होता है नियम? नियम ये है, भाई बहन के घर भी जा सकता है, बहन भाई के घर भी जा सकती है, दोनों नियम है। पहले तो नियम यही था कि बहनें भाई के घर आया करती थी, शास्त्र सम्मत तो ये था, और जो बहनें आती थी तो हमारे यहाँ बहनों और बेटियों को बड़ा पूज्य माना गया कि जब, इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि आप 3 जगह पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप कहेंगे कौन कौन से 3 जगह हैं? सबसे पहले बेटी के घर, बहन के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे आप एक बिस्कुट का पैकेट लेकर चले जाएं, आप 1 दर्जन केला लेकर चले जाएं, 1 किलो मिठाई का डिब्बा लेकर चले जाएं, बहन के और बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप 2 फूल ले लीजिए, वो लेकर भगवान को अर्पित कर दीजिए, भगवान को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान ने तो कहा ही है, पत्रम पुष्पम फलम तो में भक्ता प्रणशति, कोई भी फूल ले आओ, फल ले आओ, श्रद्धा से मुझे अर्पण कर दो, मैं ले लूँगा। ये नहीं कि कमल का ही फूल हो तो मैं प्रसन्न होऊंगा। और तीसरा, आप गुरु के घर जाते, गुरु माने श्रेष्ठ, जिससे हम ज्ञान लेते हैं, गुरु का मृत्यु जिससे हमने शिक्षा दीक्षा ली वो भी हमारे गुरु हैं, तो हमें उनका भी आदर बहुत जरूरी है, जिनसे हमने पढ़ाई लिखाई की मिले तो उनका आदर करना चाहिए, उनको चरण स्पर्श करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे भी शास्त्र में कहा गया है बल बढ़ता है, यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, बहुत सारे सुख साधन आपको बढ़ते हैं यदि हम गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं। बिल्कुल, अंधकार रूम इंस प्रकाश, यानी कि गुरु का अर्थ है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, सात्विक अर्थों में गुरु का अर्थ ही है। वो गुरु व्यक्ति जिन्होंने आपसे, आपने जिनसे दीक्षा लिया वही गुरु नहीं है? हाँ, गुरु का अर्थ कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, जो भी आपको ज्ञान दिया या कोई ऐसी परिस्थिति से निकाला उसके बारे में जानकारी, तो वो गुरु के समान ही है। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे लगता है कि हमारे सभी जो दर्शक हैं पॉडकास्ट के देखने वाले, आपकी जो बात आपने बताई उसका ज़रूर उन्हें लाभ मिलेगा और इससे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, ऐसी हम कामना करते हैं। भगवान से मेरी भी यही प्रार्थना है कि आप भी सुखी रहे और न्यूज 18 के जितने भी दर्शक हैं उनके जीवन में सुख हो, शांति हो, क्योंकि न्यूज 18 एक ऐसा चैनल है जो आपके धर्म की कर्म की बातें करता है और आपको सही मार्ग दिखाने की कोशिश करता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। बहुत-बहुत।